हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। पांडव नगर थाने की टीम ने चोरी के मामलों में दो चोरों को गिरफ्तार किया। त्रिलोकपुरी इलाके से चोरी का सामान बरामद किया। पूर्वी दिल्ली जिला के DCP अमूर्था गुगलोत ने रविवार की सुबह 7:05 पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि पांडव नगर थाने को 17 फरवरी को एक शिकायतकर्ता महिला सोनिया की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर का ताला तोड़के उनके घर से 10,000 रुपये नगद, विंडो AC और LED TV और एक मोबाइल फोन चोरी हो गया है, जो कि पटपरगंज गांव के B227 की पहली मंजिल से। नतीजन उसके बाद शिकायतकर्ता महिला के बयान पर मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 64/23 धारा 380 और 457 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। इस बीच एक अन्य शिकायतकर्ता की भी एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि मकान नंबर 227 बी कमरा नंबर 101 पटपरगंज गांव से घर का ताला तोड़कर उनका लैपटॉप और माइक्रोवेव चोरी कर लिया है, जिसके बाद शिकायतकर्ता के बयान पर एक मामला और दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 65/23 धारा 380 457 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो कि मयूर विहार सब डिवीजन के ACP सुभाष चंद के निर्देश पर पांडव नगर थाने के SHO अरुण कुमार पाल के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। इस टीम के अंदर SI शुभम सैनी, PSI लवकांत और कांस्टेबल धीरेन्द्र इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के लगे तमाम CCTV फुटेज चेक किए और अपने गुप्त स्रोतों को भी तैनात किया और इलाके में रेडी पटरी वालों से भी पूछताछ की। आखिरकार दो संदिग्ध चोरों के बारे में पता चला और पुलिस टीम ने त्रिलोकपुरी एरिया में छापेमारी करके दोनों चोरों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की। तो पहले सबसे उन्होंने पुलिस को गुमराह किया और उसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया। आरोपियों की पहचान इमरान और प्रमोद के रूप में हुई है। इनके पास से चोरी हुआ सामान यानी कि एक AC विंडो, 6,000 रुपये नगद, एक LED TV और इसके अलावा दरवाजा तोड़ने का सामान, माइक्रोवेव और लैपटॉप बरामद कर लिया है। आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। आरोपियों की प्रोफाइल, पहला नाम इमरान पुत्र सिराजुद्दीन निवासी त्रिलोकपुरी का, इसकी उम्र 23 साल है, इस पर पहले भी 6 मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपी की पहचान प्रमोद पुत्र गयाधर निवासी त्रिलोकपुरी का, इसकी उम्र 26 साल है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।